जो इस हफ्ते के दो कैप्टन जो जीते हैं, आप प्लीज। उन्होंने हाथ का इशारा इरफान और नीतू की तरफ करा, एकदम से दिमाग थोड़ा सा वैसा हो गया कि यार ये कैसे लोग जीत गए। गुरलीन और रजिंदर, लेकिन उन्होंने एकदम से सरप्राइज सा दिया कि नहीं, राजिंदर और गुरलीन ये दोनों जीते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हम विन हुए। जैसे मुझे चेक मिला तो मेरा मन में लड्डू फूट गया। असली में काफी बड़ी बात है हम लोगों के लिए। रजिंदर, इरफान, गुरलीन, नीतू, get ready for Saturday. All the best. ₹50,000 वो मेरे को आइडिया थी कि भाई वो उन्हीं को मिलने चाहिए, वो उसकी हकदार है, बिकॉज उनकी फाइट है इस हफ्ते। वापस आने के बाद वो जो बड़ा चेक था उनके हाथ में, सबको उनको देख के जलन हो रही थी कि ये पैसे लोग अकेले करेंगे क्या। तो ये बात हो रही थी कि उसका बंटवारा कर दो, सबको बांट के पार्टी वार्टी करेंगे शो के बाद में। हाँ, खुद कुछ ना करके और सिर्फ हम लोगों की मेहनत पे ₹50,000 जीत के आप दोनों को कैसे लग रहा है? सब लोग मतलब कि मेरा, मैंने कहा ये सब चेक आप ही रख लो, इस चेक को आप लोग कैश करवा लेना। यही सब मजे मार रहे थे, चिल कर रहे थे, खाना खा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो हम गाड़ी में बैठे, तब गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी गई। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, दरवाज़ा खोला गया तो मैंने देखा कि मेरे पापा वहाँ थे। बेटा मैं ठीक हूँ। मेरा बहुत बड़ा सरप्राइज था जो उन्होंने मुझे दिया। ठीक ठीक बैठो। और ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਫਿਰ ਕਿੱਦਣ? ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੀਤੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਾਈਟ ਮੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਊਂਗਾ। ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਾਊ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੀ। ਪਰ ਆਸਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਚੰਗੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮਿਹਨਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੇ, ਹੱਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। जब भी मैं पापा मेरे फाइट में आता है तो मेरा कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, तो मैं उनको और भी स्ट्रांग दिखाना चाहती हूँ कि पापा मैं स्ट्रांग हूँ। We woke up early morning. Daniel sir called us out in the grappling area and told us to line up. Good morning, everybody. Let's begin with the respect, trainers all together, and bow. Okay, today, ladies. On the mat, कल के four contestants जो ground किया था, आज आप boxing करोगे and opposite, inside the cage. Ready? Speak. Let's go. Quick. एक anxious सा feeling था कि आज क्या करेंगे cage में हम. Since it's going to be a first time experience, I just hope I can stay in control of the game and be not nervous about it. तो एलन सर ने हमें केज के मेजरमेंट्स कैसे करना चाहिए। क्लिंच में आ गया, ही इज पुशिंग मी, गो 1 2 3 4, कि हम कहां पर आंखें बंद कर वो केज को हम कैसे माप ले, एंड वी शुड बी एबल टू डू दैट इवन विद आवर आईज क्लोज्ड। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस। मेरे को याद रखना है कि 5 कदम बाद वॉल आने वाला है। गो 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 गो।
वो केज कोई रबर केज नहीं है, दैट्स प्योर स्टील, एंड व्हेन स्टील कम्स ऑन योर स्किन डायरेक्टली दैट हर्ट्स अ लॉट। एलन सर ने हमको बताया कि कैसे निकलने का, कैसे बाहर निकलने का, कैसे रिवर्सल करने का, तो आपका अपोनेंट अगर आपको टेक डाउन करे और वो आप केज के पास हो, उसमें से कैसे निकलने का। कहीं नहीं जाएगा वो। बैक कौन जा रहा है? हमेशा क्लोज तुम रहो। इरफान थोड़ा मतलब हम सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था क्योंकि उसका भी वेट वैसे कम है। शायद इरफान उन लोगों में से हो सकता है जो अपने हथियार पीछे डाल के रखते हैं, टाइम आने पर सामने दिखाते हैं। नीरज बॉक्सिंग का ही प्लेयर है तो नीरज के जो पंचेस हैं वो शार्प हैं और उनमें स्पीड और पावर सब है। इरफान की ट्रेनिंग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शायद वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। सरप्राइज हो सकता है मेरे लिए नेक्स्ट फाइट के लिए जो मेरी फाइट होने वाली है इरफान से, तो मुझे इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं बाहर बैठती हूँ ट्रेनिंग के टाइम तो मेरा एक ही काम है, ऑब्जर्व करो। अब मेरी फाइट है अगेंस्ट मोनिका, सो ऑब्वियसली मेरा ध्यान उस पर रहता है कि वो क्या कर रही है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। जब मैं इन नॉर्मल्स प्रिया वगैरह के साथ करती हूँ तो ओबियसली उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है क्योंकि तेरा ये लग गया, मुझे तेरा ये लग गया, खासकर प्रिया को ही रहती है और किसी को नहीं रहती। No, you don't change your legs. Your legs like king guard. उन्होंने हमें ग्रिपिंग करनी सिखाई है, किक्स, नी कैसे करते हैं, वो ट्रेनिंग से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो चीज़ें हमें नहीं थी आ रही वो हम यहाँ पर आकर सीख रहे हैं। एंड्रू ने मुझे बताया कि जब उन लोगों ने केज में ग्रैपलिंग करा था तो उसके बैक में काफ़ी स्क्रैचेस आ चुके थे, उन स्क्रैचेस की वजह से उसको उस पर कुछ लोशन लगाना पड़ा जो ऑब्वियसली वो अपनी बैक पे खुद नहीं लगा सकता था, तो मेरे को उसको हेल्प करना पड़ा। He was there like a quiet guy just sitting over there, you know, like nothing is between Lipika and me. It was like a stranger to another stranger applying it, and but I knew there was something between them, so just pulling their legs. Lipika, yeah, next me. Sure. Krishan also. Okay, no problem. वो टाइम पे आइजिक और किशन भी चालू हो गए। यार खाली उसके पीठ पर क्यों मेडिसिन लगा रही हो, हमें भी कटा है, हमारे पीठ पर भी लगा दो। अजीब सा सिचुएशन बन गया था जब सब हंसी मजाक उड़ा रहे थे हमारा। मुझे बोला गया कि दोपहर को आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपको लेके जाया जाएगा डॉक्टर के यहाँ पे और आपको चेकअप कराया जाएगा फाइट के। बाद में उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि उन लोगों एक होटल के रूम में लेके गए मुझे, और वहाँ पे मेरी फैमिली थी, मेरी मॉम थे, डैड थे, मेरा भाई था और मेरी छोटी नीस थी। क्या बात है? अरे अली पापा, हाँ बस कैसे है तबियत? एक गुड डे। हाँ बस कैसे चल रहा, सब ट्रेनिंग कैसे चल रही? अच्छी चल रही। चाचू को पूछे नहीं बच्चा? तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के, काफ़ी टाइम बाद देखा। चाकू कैसा? यहाँ पे जब से आया हूँ तब से ना फ़ोन है, बाहर का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है हमें, ना टाइम का अंदाज़ा है, तो थोड़ा अच्छा फील हुआ घर वालों से मिलके। ये सब क्या हुआ लाल लाल? नहीं तो सब लगते रहते ना ट्रेनिंग में, ये संभाल के करना बेटा, ये सब लगते रहते। पहला फाइट है मेरा, अगर मैं ये, हाँ ये फाइट अगर हो गया, ये जीत गया तो फिर लाइक चार हफ्ते तक मेरे को आराम है, फिर चार हफ्ते के बाद में फिर दूसरी फाइट होगी। चलो इंशाल्लाह कामयाब करें। चल निकलना काहे के लिए रो रही? हाँ पागल है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? मुझे अपना ख्याल कर। हाँ टेंशन, अपना ख्याल रख, अपनी तबीयत संभाल, अपना ध्यान रख। हाँ जीत के आना बेटा। हाँ। कामयाब हो के आना, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। ब्लेसिंग्स दी और मुझे बोला कि यू नो बहुत अच्छी से करना। मेरी मॉम थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, मुझे नहीं लगा था, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ ये देख के। Thank you.
चलो चल मत लो तुम लोग कुछ भी मेरे बारे में, सब सही है। चलो अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है द प्रेयर्स और जो दुआएं हैं वो हमेशा साथ रहती है और हमेशा हमको सपोर्ट करती है। हेलो राजू। हाँ ठीक है। हाँ ठीक हूँ मैं। तो मम्मी को एडमिट कराया था हॉस्पिटल में। हाँ ना स्पीकर बंद कर दिया तो अब कहाँ है मम्मी? आ रहा हूँ मैं अभी। फाइट यू आर रेडी फाइट।